आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएसई क्लास 12th 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर काफी कुछ अब साफ हो गया है। जैसा कि आप न्यूज रिपोर्ट 360 डिग्री का देख रहे हैं, आउटलुक ने इसको जारी किया है। इसके मुताबिक सीआईएसई ने ऑफिशियली कहा है कि रिजल्ट मई में डिक्लेयर होगा 2023 में, और क्लास 10th एंड क्लास 12th के सीआईएसई ऑफिशियल या सीआईएसई चीफ को इन्होंने हवाला देते हुए 10 पॉइंट को मेंशन किया है। ये न्यूज जो सीआईएसई के बिहाफ ऑफ में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो कैरियर पोर्टल जो सीआईएसई के है, जिसके द्वारा वो प्रिंसिपलों से आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, वहां पर जो भी इस तरह के वार्तालाप हुए हैं, इसका एक कंक्लूजन निकला है। और इसी को लेकर एक और रिपोर्ट है जो कि इंडिया टुडे ने निकाला हुआ है, और यदि इंडिया टुडे के इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रिजल्ट एनी टाइम सून फ्रॉम 30th ऑफ अप्रैल, यानी 30th ऑफ अप्रैल के बाद कभी भी ये रिजल्ट दिया जा सकता है। और इसको लेकर इंडिया टुडे ने कहा है कि रिजल्ट डे, यहाँ पर आप स्पष्ट देख लीजिए, इट इज एक्सपेक्टेड दैट सीआईएसई विल डिक्लेयर आईसीएसई एंड आईएसई 2023 रिजल्ट इन मे, द बोर्ड विल सून रिलीज द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम वेयर टू चेक आईसीएसई एंड आईएसई रिजल्ट 2023, सीआईएसई विल डिक्लेयर क्लास 10th एंड क्लास 12th रिजल्ट। इसके लिए दो पोर्टल उन्होंने बताया है, cisc.org एंड रिजल्ट cisc.org। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि रिजल्ट को आप कई तरह से चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात बोली गई है, ए रिजल्ट काफी हद तक रेशनल बेसिस पर होंगे, जहां पर स्टूडेंट के मार्क्स उनके सभी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए कॉपी की चेकिंग के हिसाब से होगी। जो लास्ट ईयर का रिपोर्ट का इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसमें भी यह बताया गया है कि स्टूडेंट नियरली 99.38% पास करते आए हैं, तो फेल करने की दर वैसे भी क्लास 10th में 99.97% रही है जो रिपोर्ट दे रहा है, और क्लास 12th में 99.38%, मतलब सभी बच्चे पास हो जाएंगे। ये लास्ट ईयर का जो इंफॉर्मेशन है सीआईएसई का, आप स्क्रीन पर प्रूफ के रूप में देख रहे हैं, ये रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट बताते हैं कि नो फेल ऑल पास की पॉलिसी सीआईएसई के सामने एकमात्र स्ट्रेटजी है। अब हम अपने प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन है इस पर चलते हैं, जहां पर कि यह बताया जा रहा है कि सीआईएसई ने रिजल्ट के लिए 10 से 12 इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स बताए हैं। ये सारे वैल्यू पॉइंट्स को बताना एक छोटे से वीडियो में मुश्किल है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि बताएगा आपको कि किस तरह से आप रिजल्ट को देखिए। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ये रिजल्ट मई के महीने में आएंगे, क्वेरीज रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट गार्जियन पेरेंट्स और जितने होंगे सीआईएसई प्रिपेयर कर रहा है, आंसर स्क्रिप्ट सबमिट कर दिए गए हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट की चेकिंग भी हो जाएगी विद इन 7 डेज, और स्टूडेंट को किसी तरह से परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़े। इसके लिए सीआईएसई ने आंसर स्क्रिप्ट को 16 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ आईसीएसई एंड आईएससी सही ढंग से रिटेन करेगी, और उसके बाद इसके लिए ज़्यादा लंबे समय तक रखना संभव नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। तो कुल मिला के जो रिजल्ट और रिपोर्ट्स है ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं विद प्रूफ के साथ बताने के लिए, आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय फॉर नाउ, बने रहिए और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।